Hello guys, welcome to me and my family channel. So guys, आज ये देखो ये बहुत शोर मचाते हैं और कहाँ जाऊँ, अभी काम पड़ा है, काम करना है, फिर उसके बाद आराम से बैठूंगी। फिलहाल फटाफट से बता देती हूँ आज मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग अभी हो रही है सुबह सुबह, और ये देखो देखो देखो, देखो। इनको व्लॉगिंग वगैरह कुछ ध्यान नहीं रहता, बस जब भी बोलती हूँ मम्मी व्लॉगिंग नहीं करनी, तू कर ले, बस यही करती हैं। आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा शनिधाम जा रहे हैं। उससे पहले शनिधाम का मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पहले भी एक व्लॉग मैंने बना रखा है शनिधाम का मंदिर का। यार ये बहुत शोर मचा रहे हैं यार, चुप हो जाओ। तो शनिधाम के मतलब मंदिर का व्लॉग मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने पहले बना रखा है। और ये रे नोनू जी, फोन जिंदाबाद, फोन एकदम जिंदाबाद। ये रही हमारी मम्मी, हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। मैम तो डर गई एकदम से। और नानू हैं यहाँ पे, है नानू बाथरूम में है। और यहाँ आया किसी का फोन, कौन है भाई? अच्छा आ जाओ भैया आ जाओ, अभी भाई नहा रहा है और पापा नहाकर आ चुके हैं, और मम्मी पापा दोनों पूजा कर रहे हैं, नानू अभी भी जय जय कर रहे हैं। माता श्री एवं पिताजी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो रहे हमारे दो पिताजी, नहीं वो शीशा है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एकदम नहा धोके अच्छी बच्ची बन। सो गाइस यहाँ पर मैं एकदम नहा धोके अच्छी बच्ची बन चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। मम्मा ने चीज़ ब्रेड बनाई आज, ये सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया, एक मैं ही रह गई हूँ, और मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और पापा भाई अभी घर पर नहीं हैं, और मम्मी यहाँ पर काम कर रही है। पागल है, चली है क्या ये? चली रही है। जो फोन पे ऐसे से बात करता है वो झल्ला ही होता है। अपने आप बात करने वाला है क्या? अपने आप बात करने वाला झल्ला ही होता है वो। क्या कह रहे पागल है, झल्ली है क्या है? क्योंकि मैं से बात कर रही हूँ ना कि सो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहीं खानी। अब आ गई है, ये है खीर नानू ने बनाई है, और जबरदस्ती मुझे खिला रहे हैं कि खा, और देखो कितनी सारी भर के ले आए हैं। नानू आपने बनाई है? मम्मी बना रही है खिचड़ी, नमकीन खिचड़ी नानू ने बनाई है खीर। लेट टेस्ट, मम्मी बताओ कैसी लगी आपको खीर? सो गाइस नानू अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमें जाना है, पापा भाई भी तब तक आ जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी बना रही है रोटी, और यहाँ मम्मी बना रही है खिचड़ी। मम्मी खिचड़ी क्यों बना रहे हो आप बताओ? खिचड़ी शनिधाम में दान करने के लिए। हाँ, और पिछली बार मम्मी ने क्या बनाया था? मम्मी ने बनाई थी पूरी और आलू बैंगन। चलो फिर मम्मा अभी खाना बना रही है, फिर हम लोग खाना खाएंगे, और तब तक के लिए पापा भाई भी आ जाएंगे, फिर सब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ सीधा गाड़ी में। सो गाइस अभी 5 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं अभी शनिधाम के लिए, है ना पापा? 5 बज रहे हैं अभी, और अभी यहाँ सिर्फ मैं और पापा हैं, नानू भी अभी नहीं बैठे, माता श्री भी, एक मिनट पापा गाना धीरे, माता श्री और भ्राता श्री भी अभी तक नहीं आए हैं, और नानू श्री भी नहीं आए हैं, अभी बस आ जाएंगे। और नानू जी ठंडा गिलास लगा दिया मुँह पे, आ गए मम्मा। सो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं शनिधाम, और अब हम जा रहे हैं जय जय करने। गाइज भीड़ देखो कितनी है, नानू कितना धीरे चल रहे थे, इतने चलो आज आपकी स्पीड देखनी है मुझको, स्पीड देखनी है। ओए ओए ओए, और तेज तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल नहीं है, उनको देखो कितनी तेज चल रहे हैं।
क्या कहते थे, इतना धीरे कौन चलता है, इनको क्रॉस कर जाओ कर जाओ कर जाओ, और तेज और तेज। साथ में आ गए, क्रॉस नहीं किया लेकिन मैं पीछे रह गई। बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पे जो मम्मा ने दान के लिए खिचड़ी बनाई थी वो मम्मा भी बांट रही हैं, और हम लोग जय जय करके आ चुके हैं। चम्मच ले लो, चम्मच है तो दे दीजिए। कुत्ता भी आया है यहाँ पे, पहले मम्मी बना रही है फिर वहाँ बांटने जाएंगे। तो मम्मा कैसे रहे दर्शन? मम्मा कैसे रहे? बहुत अच्छे। और मम्मा ने सुबह से गाइस को हेलो नहीं बोला। हेलो गाइस। गाइस को हैप्पी सैटरडे, शत्ती शत्ती आओ। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। आज आपने सुबह से गाइस से बात नहीं करी, अब बात करो गाइस से, जो मन में आए बोलो। बोलो। टायर्ड फील कर रही हूँ। और तो सब लोग आ चुके हैं, और अब हम बस पहुंचने वाले हैं। खाना बनाने बैठ गए थे क्या? ये खाना ठीक है, और ये एकदम नानी के घर के पास में ही है दुकान। दुकान नहीं, पता नहीं क्या, ये ब्रिजवासी है? नहीं, ब्रिजवासी। हाँ ये ब्रिजवासी है। और अब हम लोग हम पहुंच चुके नानी के घर। नमस्ते नानी। देख रहे हो मैं तो सोच रही थी नानी को कहूंगी चलो छोड़ो नानी, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और नानी मुझसे बात ही नहीं करी। देखो भागी जाए। और क्यों हो तुसी? तुम्हें मेरी याद नहीं आई ना? ए मेरी नानी वहाँ मिले होंगे। बहुत थका दिया आज तो मम्मी ने, मम्मी ने नहीं थका। हफ्ते बाद मिले। तो गाइस हम लोगों ने डिनर कर लिया है, मम्मा भी आ गई, और मम्मा तो अब शायद सोएंगी है ना। मम्मा आप तो थक गए, तो बहुत देर की थकी हुई, मतलब क्योंकि आज बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया पापा ने। और क्योंकि ना क्या होता है गाइस, मम्मा कितनी भी नींद में, पिछली बार भी नानी ने यही किया था, मम्मा कितनी भी नींद में होती है नानी मतलब उनको उठाती है मेरे साथ खेल, क्योंकि हमारी नानी बहुत मसूर स्वभाव की है, मतलब उनको बहुत पसंद है बच्चों के साथ खेलना, बच्चों मतलब हमारे साथ खेलना, भाई के साथ खेलना। पता है जब मैं और भाई मतलब मेरे को और भाई को चेस खेलना, लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, ये सब खेलने का मन ही तब करता है जब हमारी नाना नानी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि बहुत खेलते हैं। इस बार हम इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि हमारी जो चेस की वो होती है, चेस और कैरम बोर्ड वगैरह सब उस घर में पड़ा था, इसलिए हम नानी के साथ खेल नहीं पाए। लेकिन हम लोग बहुत खेलते हैं, मतलब नाना नानी हमारे साथ बहुत खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है नाना नानी के साथ। पता नहीं अब आज सब भी थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए अब तो शायद सब सो जाएंगे। अभी बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, इसके लिए सॉरी। उससे भी बड़ी बात, नानू ने दिया था मेरे को पिछली वीडियो में दिया था उन्होंने मेरे को चैलेंज की, जो मैंने नानू के साथ किया था वो मुझे नानी के साथ भी करना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है नानी के साथ। तो आने वाली वीडियोस में आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैं अपना चैलेंज ज़रूर कम्प्लीट करूँगा। और मेरे को पता नहीं बाहर चल रहा है इनका। तो गाइस मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो मन में है वो कर देना। बाय 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 बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।